औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पठान मूवी आने के बाद इंडिया की जो नफ़रत है वो घट गई, क्योंकि जो गोदी मीडिया जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक मशीन की तरह जो है ये काम उठाकर खान्स को बदनाम किया, पूरी दुनिया में खान्स का नाम नहीं रहना जैसा बदनाम करना चाहा, तो ये वक्त बता दिया कि बायकॉट गैंग जो होती है उनकी बोलती हकीकत में बंद हो गई। उसकी पहली वजह आप देखेंगे, रेस 3 350 करोड़ कुछ बनाती है और उसको ये लोग डिक्लेयर करते हैं ये फ्लॉप हो गई। अब आप सोचो रेस 3 और सेल्फी में कितना फर्क है। सेल्फी मूवी अक्षय कुमार की 4 दिन के अंदर सिर्फ 10 करोड़ या 12 करोड़ बनाई नेट कलेक्शन, और लाइव कलेक्शन है रेस 3 का 350 करोड़, और जिसने प्रोड्यूस किया उसके पैसे निकल गए। सलमान खान जो चार्ज किया उसको भी दिया गया, खुशी से ले लिया, फ्लॉप बोली। अब सच को झूठ बताने का हिंदू बेड़ा उठा लिया, सच को झूठ बताने का। ये एक हकीकत मैं आपको दे रहा हूं, सच को झूठ बताना चाह रहा। इस वास्ते अब अर्नाब गोस्वामी या वो सुधीर चौधरी, वो जिस तरह के भी जो एंकर्स है गोदी मीडिया के, वो फिल्म 1000 करोड़ बना चुकी तो भी मजाक उड़ाना चाह रहे, और साफ वो कह रहा है कि शाहरुख खान पैसा देकर जो है ये फिल्म को चला लिया। अब आप सोचो कोई इंसान क्यों आएगा सड़कों पे 35 दिनों के बाद सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा सेलिब्रेट कर रहे, लोगों को खाना खिला रहे और बनियनों पे जवान आने वाली मूवी का एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे, और बच्चे जो है एक जगह गैदर होके केक काट रहे, और सड़कों पर पूरी दुनिया में सड़कों पे आके वर्ल्ड वाइड कर रहा हूं मैं, तमाम आप वीडियो चेक कर सकते हैं, सड़कों पे आके झूमे जो पठान ये गाने का जो है गाना लगाकर डांस कर रहे लोग। अब इतनी बड़ी सच्चाई को ये बीजेपी जो झूठा मजहब है, हिंदुइज्म कोई मजहब नहीं है, जैनिज्म कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, यहां तक के सिखिज्म भी कोई मजहब नहीं है। उसकी वजह मैं क्या दे रहा हूं कि मक्का को तुम अगर देखे तो यह सिर्फ मुसलमान, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 5 बार अजान दे रहा। इस वास्ते ये जो वीडियोस होते हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से झूठ को जो है सच को झूठ बताने के मजहब है ये, क्योंकि आप ये हिंदी फिल्म बोलते पठान, जबकि आपको मालूम है अब्बास टायर वाला या सलीम जावेद ये जो डायलॉग्स लिखते हैं ये उर्दू होती है, मगर इसको भी झूठ बोल देते, गाने भी उर्दू को हिंदी बता देते। ये रोना झूठ को सच, सच को झूठ बताने का, इस वास्ते मैं बता रहा हूं ये बात आपको। आलमारा के जमाने से, अच्छा 75 साल के ये अरसे में यूसुफ खान, दिलीप कुमार ने राज किया, फिर फिरोज खान, संजय खान, अकबर खान ने राज किया, गब्बर सिंह, एक ही फिल्म जो हीरोज से भी भारी थी, हीरोज पे भी भारी थी, उसने तो हीरो की
साख को या हीरो की इमेज को खत्म कर दिया विलन के तौर पे गब्बर सिंह। ये हीरो का बाप निकला, एक ही फिल्म शोले थी जो आज भी तारीख है, अमजद खान। खान्स को याद रखो, अजीत हैदराबाद का मुसलमान खान, मुख्तार खान हीरो के तौर पे आता था, शेख मुख्तार। यानी खान्स मतलब ये पूरे मुस्लिम, खान्स पठान ये है वो। फिर उसके बाद एक शो में एक एंकर ये बोला कि जिस तरह से हिंदू हम खुदाओं के तीन नाम लेते हैं रोज इंडिया में, अब आप बताओ खुदाएं तीन तो है नहीं, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया सच के सामने, एक खुदा है, तो झूठ को लोग अपना हथियार बना के मुसलमानों पे वार करते और सच को सच नहीं है जैसा साबित करने के लिए वो मुसलमानों को नफरत से जो है बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में ये प्रोपोगंडा शाया कर देते पूरी दुनिया में। तो फिल्म इंडस्ट्री पे सलीम जावेद एज ए राइटर, स्टोरी राइटर में कोई ये मुकाम नहीं पाया। म्यूजिक की दुनिया में नौशाद के उतना या गुलाम मोहम्मद के उतना, आप सदाबहार गाना प्यार किया तो डरना क्या, इंडिया का एक वाहिद गाना है जो सबसे ज्यादा मकबूल हुआ। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, गुलाम मोहम्मद का गाना पाकिजा का, ये सबसे ज्यादा मकबूल हुआ, आज भी एवरग्रीन है। तो म्यूजिक की दुनिया में नौशाद और गुलाम मोहम्मद नाम कमाए और भी है। उसी तरह फिल्मी दुनिया के गानों की जो चोटी का गायकार गुलोकार जिसको कहते हैं वो मोहम्मद रफी है, इसके मुकाबले में कोई आके नहीं ठहरा, ना किशोर कुमार, ना मुकेश, ना मनाडे। और इसके गाने 24 घंटे इंडिया के कोई ना कोई हिस्से में 24 घंटे बजते हैं आज भी, जबकि वो दुनिया में नहीं है, 50 साल हो गया। अब मैं ये 50 साल हो गया इसके गाने बजते हैं बोले तो हिंदू का जो खुदा है क्या वो भजन सुनाया तुमको? तो झूठ पे हिंदुइज्म है और सच पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज मरने के बाद में भी गूंज रही दुनिया में। सच्चाई ये है कि इंसान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, और मुर्दा हिंदुइज्म है, इस वास्ते सनातन धर्म भी फेल है। इंडिया के अंदर राइटर्स के अंदर साहिर लुधियानवी, मजनू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, इन्हीं का गानों का खलम का दौर था इंडिया के अंदर। हसरत जयपुरी भी अगर से आप बोले या फिर शैलेंद्र बोले तो ये लोग दूसरे दर्जे में आते हैं, मगर जो गाने पॉपुलर फिल्मों के होते थे ये तीनों के होते थे, साहिर लुधियानवी, मजनू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी। आज भी साउथ में ए आर रहमान की म्यूजिक बजती है, और सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड लेने वाला या यहाँ का और भी दूसरे अवार्ड लेने वाला ए आर रहमान है, और दूसरी कंट्रीज जाके म्यूजिक बनाने वाला, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी म्यूजिक दिया, ईरानी मूवीज में मूवी दी म्यूजिक दिया वो ए आर रहमान ने। अब तीन खान का नाम ये तीन हिंदुओं की तरह खुदाओं के लेने लगे तो वहां मोदी बैठा हुआ था, उसके चेहरे पे सांप सूंघ गया, उसने एक बेड़ा उठाया कि ये खान्स के नाम को पूरा बर्बाद कर दो। वहां से बॉयकॉट गैंग शुरू हुई, वहां से जो है रजिस्ट्री फ्लॉप बोल दिए। जबकि लाल सिंह चड्ढा, आपको पता है ऑस्कर अवार्ड मूवी थी वो, ठीक है, वो एक
30 साल बाद बनाने से वो फिल्म की रीमेक फेल हो गई, जैसे शहजादा है अल्लाह वैकुंठमपुरम की कॉपी करने गया, लेकिन उसके गानों की बात जो म्यूजिक थी अल्लाह वैकुंठमपुरी वो मैच नहीं कर सकी शहजादा में। और कई रियल जज्बाती शार्ट जो डिलीट भी हो गए अल्लाह वैकुंठमपुरम के, वो देखने के काबिल है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया अरुण धवन का भाई, डेविड धवन का बेटा डायरेक्टर शायद पहली है, तो उसको फर्स्ट तजुर्बा फेल कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल अल्लाह वैकुंठमपुरम की बात शहजादे में नहीं आई। तो यहां जो कॉपी इंडिया करता है उर्दू को हिंदी बोलेगा, और खुदा एक है तो तीन बोलेगा, तीन खुदा हैं वैसी शाहरुख आमिर सलमान बोले। अब क्या हुआ इंडिया में 75 साल से अगर आप राज करने वाले कौन है फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पे, तो वो मुसलमान है। मधुबाला आज भी मशहूर, मीना कुमारी आज भी मशहूर, नरगिस आज भी मशहूर, अगर आप डायरेक्शन की तरफ देखते हैं के आसिफ आज भी मशहूर, कमाल अमरोही आज भी मशहूर। ये सारे शोबे खुद बता रहे कि फिल्म इंडस्ट्री को भी जो सींचा वर्ल्ड वाइड नाम लाने के लिए यही खान से। अब नई बात क्या होगी मालूम है, मैं चलते चलते ये बात दे रहा हूं, इसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा। अब नई बात क्या होगी, आप देखेंगे जय हो गाना ए आर रहमान का अमेरिका में भी धूम मचा दिया, उसके बाद लोग डांस सीखे जय हो के साथ साथ, इंडियन कल्चर के तारीफ करना के पुल बांध दिए जय हो के, ये इब्तिदा थी म्यूजिक की। फिर आर आर आया, आर आर का गाना बहुत मशहूर हुआ, डायरेक्शन मशहूर हुआ, VFX है तो भी जो है वो फिल्म को स्टीवन स्पिलबर्ग भी जो है डायरेक्ट राजामौली से बात करके बोला मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, मैं तुमसे बात करना है बोला। तो हमारे वाले इंडिया के जो चोर है वो हॉलीवुड को बहुत बड़ा समझते थे, ये बॉलीवुड को मारने वाली जो है अब ताकत हमारे पास आ गई, ये अब नहीं समझ में आ रहा। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप जर्मन जाओ, आप फ्रांस जाओ, या आप जो है समझो दुबई समझो, यानी बाहर इंडिया से बाहर निकलने के बाद सिर्फ पठान की बात हो रही, 1,000 करोड़ बना ली और पूरे रिकॉर्ड जो अस्तगफुरुल्लाह हिंदी बोलते जबकि उर्दू रहती तो वो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरी फिल्मों के, आरआर या केजीएफ या आप जो है बाहुबली बोलो हिंदी बेल्ट में जो बोलते हैं कलेक्शन, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब क्या होगा, तो बॉलीवुड हॉलीवुड को खा जाएगा, हालांकि हॉलीवुड की कॉपी करता था बॉलीवुड, अभी भी कर रहा VFX की वजह से, क्योंकि ये जो शाहरुख खान की मूवी है पठान 2000 के स्टोरी से, ये हॉलीवुड की टॉम क्रूज के जमाने में जो एक्शन मूवीज बनते थे या उसके बाद स्पाइडरमैन बैटमैन सुपरमैन के जैसे VFX स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है अवतार जैसे ये स्टार्ट हुआ, और ये जो फिक्शंस के मूवी बनने लगे, रियल एक्टर यहाँ ख़त्म हो गया अदाकारी का या एक्शन का या कॉमेडी का। लेकिन इंडिया में शाहरुख खान VFX को भी भारी पड़ा पठान से, सिर्फ शाहरुख खान बात हो रही, आप देखो दीपिका पाडुकोण खा गया, हालांकि पोटी नंगी हुई तो भी कोई बात नहीं कर रहा उसकी, जान अब्राहम की बेहतरीन विलन की अदाकारी उसकी भी बात नहीं कर रहा, यहां तक कि डायरेक्शन अच्छा है वो भी नहीं बोल रहे, गाने अच्छे है वो भी नहीं बोल रहे, झूमे जो पठान, सिर्फ पठान खान। तो 75 साल के अंदर
इंडिया अब बॉलीवुड को हॉलीवुड को मात देने के मुकाम पे आ गया और म्यूजिक इतनी पसंद करने लग गए बाहर के कंट्रीज वाले, वो इंडियन है म्यूजिक। अब जैसा वक्त है हॉलीवुड भी मेरे ख्याल से फिल्मों में गाने देना शुरू करेगा, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मैं एक गाना देखा था छैया छैया, शाहरुख खान की फिल्म का गाना, यहां के एक मूवी के अंदर स्टार्टिंग में बताया था। और सबसे बड़ी बात यह हो रही अब कि एक्टरों को बुला के बात कर रहे हॉलीवुड में, जैसे राम है या एनटीआर है, इन लोगों को तारीफ करके सराहा जा रहा। यह ख्यामत की निशानी है, मैं आपको यह बताने के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाया। मैं कभी भी नई बात करता हूं मेरे वीडियोस में, यह नई बात यह है कि मशरिक के लोगों को मगरिब अच्छा लगेगा, मगरिब के लोगों को मशरिक अच्छा लगेगा, यानी ईस्ट साउथ और वेस्ट, इस तरह से ईस्ट नॉर्थ ये सब जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के जाने का एक जुनून चढ़ेगा, क्रेज रहेगा। और वो बात हकीकत में दुनिया में आ गई, अब कोई कंट्री के हिसाब से भी नहीं बात हो रही, क्योंकि बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं रहा, साउथ भी आ जाने की वजह से इंडियन मूवी खिला रही। उसी तरह पूरी दुनिया जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहां तक के कंट्री को कंट्रोल करने के लिए भी वर्ल्ड वाइड बात होगी, कोई भी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, चाहे चाइना को कंट्रोल करना है या इंडिया को, तो अब कर रहे कंट्रोल, चाइना एक तरफ से, रशिया एक तरफ से, यूएसए एक तरफ से कंट्रोल कर रहा, इसको हिलने नहीं दे रहा अभी तक, इन्हें हिंदुत्व लाना चाह रहा, हिलने नहीं दे रहा इसको। और वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में झूठ को झूठ, सच को सच कहना आ जाएगा, इंशाल्लाह, अल्लाहु अकबर।